मुख्यमंत्री साय के मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार, 9 विधायकों ने ली शपथ। कमर्शियल सिलेंडर के दाम घटे, 39.50 रुपए की हुई कटौती। राष्ट्रीय गणित दिवस आज, देश के गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती। और स्कूली बच्चे कर रहे लोगों को जागरूक, ना करें सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार, मैं हूं काजल साहू। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण आज राजभवन में हुआ, जिसमें 9 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इसमें 5 विधायक पहली बार मंत्री बने हैं। मैं राम विचार नेता हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक, भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, आइए जानते हैं इनके बारे में। ब्रजमोहन अग्रवाल जो कि जिन्होंने आज मंत्री पद की शपथ ली, रायपुर दक्षिण से 8वीं बार विधायक बने हैं ब्रजमोहन अग्रवाल। इससे पहले रमन सरकार के तीनों कार्यकाल में भी वो मंत्री रहे हैं और अब एक बार फिर से उनको मौका दिया गया। कांग्रेस प्रत्याशी महंत राम सुंदर दास को उन्होंने 67,919 मतों के अंतर से हराया था। वहीं केदार कश्यप, इन्होंने भी शपथ ली है, नारायणपुर सीट से विधायक है केदार कश्यप और कद्दावर आदिवासी नेता के तौर पे इन्हें जाना जाता है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी और सिटिंग एमएलए चंदन कश्यप को 19,188 मतों से हराया है। और लखनलाल देवांगन, इन्होंने भी आज मंत्री पद की शपथ ली, कोरबा विधानसभा से विधायक हैं लखनलाल देवांगन। जय सिंह अग्रवाल को 26,000 से भी ज्यादा मतों से उन्होंने चुनाव हराया है। कोरबा निगम के महापौर और कटघोरा विधानसभा से विधायक भी लखनलाल रह चुके हैं इससे पहले। रायगढ़ सीट से विधायक हैं ओपी चौधरी। एक तेज तर्रार और विजनरी आईएएस के तौर पे उन्होंने अपनी एक अलग पहचान ओपी चौधरी ने बनाई है। 13 वर्ष आईएएस के पद पर उन्होंने काम किया है। इसके बाद श्याम बिहारी जायसवाल मनेन्द्रगढ़ विधानसभा सीट से विधायक हैं श्याम बिहारी। और कांग्रेस के रमेश सिंह को 11,880 मतों से चुनाव हराकर विधायक निर्वाचित हुए हैं। जनपद उपाध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य व पूर्व में एक बार विधायक भी रह चुके हैं। साथ ही एमएससी तक की शिक्षा ग्रहण करने वाले श्याम बिहारी जायसवाल पेशे से राइस मिलर हैं। भाजपा के टिकट पर पहली बार विधायक बनी है, पहली बार निर्वाचित हुई। उन्होंने भटगांव विधानसभा से चुनाव लड़कर सिटिंग एमएलए और 2 बार से कांग्रेस विधायक रहे पारसनाथ राजवाड़े को 43,962 मतों के भारी अंतर से चुनाव हराया। वहीं लक्ष्मी राजवाड़े जिला पंचायत सदस्य भी हैं और भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष भी हैं। हाल ही के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के अजय तिर्की को 29,663 मतों के भारी अंतर से चुनाव हराकर रामानुजगंज सीट से इन्होंने जीत हासिल की है। और राम विचार नेताम 6 बार विधायक रह चुके हैं, 2016 में वो राज्यसभा सदस्य भी चुने गए थे। और साथ ही वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की सरकार में 2 बार मंत्री भी रह चुके हैं राम विचार नेताम। साथ ही दयाल दास बघेल,
बेमेतरा जिले की नवागढ़ विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी और साथ ही वर्तमान मंत्री रुद्र कुमार गुरु को चुनाव हराकर विधायक निर्वाचित हुए हैं दयालदास बघेल। दयालदास बघेल को भाजपा ने नवागढ़ विधानसभा से अब तक कुल 6 बार टिकट दिया है। पहली बार 1998 में भाजपा की टिकट से चुनावी मैदान में उतरे थे और तब उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद हुए 2003 के विधानसभा चुनाव में पहली बार विधायक निर्वाचित हुए। इनकी उम्र की अगर बात की जाए तो 61 वर्ष के हैं और सेवानिवृत्त शिक्षक हैं। मंत्री बनने वाले टंकराम वर्मा शिक्षक की नौकरी छोड़कर राजनीति में कदम रखा। भाजपा विधायक टंकराम वर्मा ने LLB किया है। सबसे पहले तिलदा से जिला पंचायत सदस्य चुने गए, फिर रायपुर जिला पंचायत में उपाध्यक्ष बने। टंकराम वर्मा पिछले 30 सालों से सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय हैं और विधायक बनने से पहले वो बलौदा बाजार जिला ग्रामीण भाजपा अध्यक्ष थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मंत्रिमंडल में आज 9 विधायकों ने राजभवन में मंत्री पद की शपथ ली। प्रदेश में 13 कैबिनेट मंत्रिमंडल में अभी भी एक पद खाली है। मंत्री बने इन विधायकों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अब तो पूरे छत्तीसगढ़ का ही ध्यान हमको रखना है, पूरे छत्तीसगढ़ को संवारना है। माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिन सपनों को लेकर छत्तीसगढ़ को बनाया है उसको गढ़ने का संवारने का काम करेंगे। पहली जो प्राथमिकता है वो हमारा संकल्प है, मोदी जी की गारंटी है, केंद्र की योजना है, राज्य सरकार की योजना है, उन योजनाओं को हम निचले स्तर तक पहुंचाएं, ये हमारा पहली प्राथमिकता है। देखिए, सरकार का आज पूर्ण गठन हुआ है और आने वाले समय पर मोदी जी की जो गारंटी है उन गारंटियों को पूरा करना ये हमारी प्राथमिकता होगी। छत्तीसगढ़ के गाँव, गरीब, किसान, नौजवान, मजदूर, महिलाएँ, इनके सबके चेहरे पर मुस्कान आए और विकास की रोशनी पहुंचे, ये हमारी कोशिश होगी। सरकार की प्राथमिकताएं ही मेरी प्राथमिकताएं हैं, मैं वहां अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट करूंगा। आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हम सब अच्छे से काम करेंगे। मोदी की गारंटी का क्या है? निश्चित रूप से मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए और माफिया राज के खिलाफ जो जनादेश मिला है उस माफिया राज के को समाप्त करने के लिए हमारी सरकार समर्पित है। एक बेहद संतुलित मंत्री परिषद हमारी सरकार की बनी है। मंत्रिपरिषद में एक तरफ जहां अनुभवी और दिग्गज नेताओं को स्थान मिला है, वहीं दूसरी ओर ऊर्जावान प्रतिभावान युवाओं को भी अवसर मिला है। तो एक बेहद मजबूत टीम, संतुलित टीम बनी है। हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ की जनता की इच्छा और आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए काम करेंगे। एक खुशहाल छत्तीसगढ़, एक समृद्ध छत्तीसगढ़, एक विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए काम करेंगे। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की पहचान करने और उन्हें केंद्र की आंगनवाड़ी सह क्रैच योजना से जोड़ने के लिए दिल्ली के विज्ञान भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। कार्य क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए बच्चों की देखभाल संबंधी सेवाओं की आवश्यकता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मिशन शक्ति के पालना उपघटक के अंतर्गत आंगनवाड़ी सह क्रैच के जरिए बाल देखभाल की सेवाओं का विस्तार किया है। इस सुविधा के तहत क्रैच में 6 महीने से 6 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण, पोषण संबंधी सहायता, स्वास्थ्य बाल विकास की निगरानी सुनिश्चित करना है। पालना बच्चों को डे केयर सुविधाएं और सुरक्षा प्रदान करने के लिए 1 अप्रैल 2022 से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लागू की गई थी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने योजना के प्रशासन और कार्यान्वयन के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया को तैयार किया है जिसे केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने जारी किया। 15वें वित्त चक्र के दौरान कुल 17,000 WCC स्थापित करने की परिकल्पना की गई है जिनमें से विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार अब तक 5,222 WCC को स्वीकृति दी जा चुकी है। केंद्र की ओर से 17,000 पालना स्कीम के अंतर्गत क्रैश खोलने का हमारा संकल्प है, लेकिन ये हमारे संकल्प की सीमा नहीं है। अगर ज़रूरत पड़े तो हम 17,000 से ज़्यादा भी क्रैश पूरे देश में खोलना चाहते हैं, बशर्ते आप सहयोग करें। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कहती हैं कि यह कदम महिला विकास में मील का पत्थर साबित होगा, जहां महिला रोजगार करने में सक्षम होंगी और बच्चे भी स्वस्थ और सुरक्षित रह सकेंगे।
इस स्कीम से सबसे अच्छा फायदा ये होगा कि जैसे कि पालना जो उसके खोले जाएंगे तो उसमें अपने बच्चों को 6 बजे तक वहाँ पर रख सकती हैं, और मतलब सबसे अच्छा ये है कि उनको ये डर नहीं लगेगा कि उनके बच्चे कहीं बाहर सेफ नहीं है, और एक सेफ इन्वायरमेंट मिलेगा उनका। क्रैच से ये फायदा हो जाएगा कि वो क्रैच में बच्चों को छोड़ के निश्चिंत होगी, अपने काम पे दिहाड़ी पे मजदूरी पे जा सकती है, और उनका घर खर्चा आगे बच्चों के भविष्य के लिए भी कुछ बचा भी सकती है, सोच भी सकती है। आंगनवाड़ी केंद्र विश्व के सबसे बड़े बाल देखभाल संस्थान है, जो अंतिम छोर तक बच्चों को आवश्यक देखभाल सुविधाएं और सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में चल रही है। 2 दिन की इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव के बारे में विचार विमर्श होगा तथा पार्टी की राजनीति तय की जाएगी। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की अध्यक्षता में हो रही बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विभिन्न राज्यों के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तथा प्रभारी और पार्टी के अन्य लोग भाग ले रहे हैं। हाल में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन की भी बैठक में समीक्षा की जाएगी। संगठन से जुड़े मुद्दों तथा विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम की भी समीक्षा होगी। कल समाप्त हुए संसद के शीतकालीन सत्र में हुए कामकाज के बारे में जानकारी देते हुए श्री जोशी ने बताया कि संसद के दोनों सदनों में कुल 19 विधेयक पारित किए गए। संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर को शुरू हुआ था। 14 सिटिंग्स स्प्रेड ओवर 18 डेज, 12 बिल्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, 12 बिल इंट्रोड्यूस किए थे, 18 बिल लोकसभा में पारित हुआ, 17 बिल राज्यसभा में पारित हुआ, दोनों मिला के 19 बिल्स दोनों सदन मिला के पारित हुआ है। संसद में सुरक्षा में चूक के मुद्दे पर श्री जोशी ने कहा कि सरकार ने इस घटना को गंभीरता से लिया है। वहीं उन्होंने राज्यसभा के सभापति की नकल करने के लिए विपक्ष की आलोचना की और इस आचरण को दुर्भाग्यजनक बताया। राष्ट्रपति का अपमान करते हैं, प्रधानमंत्री जी के बारे में तो 20 वर्ष से तो इतना इन प्रधान माननीय मोदी जी के खिलाफ इतना द्वेष है वो सब दिखाते जाते हैं, और इस बार तो हद पार कर दिया। एक व्यक्ति मिमिक्री करते हैं और एक नेशनल पार्टी के पूर्व अध्यक्ष तो उसका वीडियोग्राफी करते हैं, तो इसलिए मोस्ट इर्रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर कांग्रेस पार्टी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल व्हेन दे आर इन पावर एंड मोस्ट इर्रिस्पॉन्सिबल व्हेन दे आर अपोजिशन। इस बीच लोकसभा और राज्यसभा से सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर विपक्षी INDIA में शामिल दल देश भर में आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का पारित होना भारत के इतिहास में ऐतिहासिक क्षण है। सोशल मीडिया पर किए एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये विधेयक औपनिवेशिक काल की समाप्ति और जनसेवा के नए युग की शुरुआत के प्रतीक हैं। इन विधेयकों के सुधार के प्रति भारत की वचनबद्धता का प्रमाण बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इनसे हमारी न्याय नीति और जांच प्रणालियों में नए युग की शुरुआत होगी, जिसमें प्रौद्योगिकी और फॉरेंसिक विज्ञान पर बल दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये विधेयक हमारे समाज के निर्धन, सीमांत और कमजोर वर्गों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। संयुक्त राष्ट्र के शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने पंजाब के रामबाग गेट और प्राचीरो, हरियाणा के चर्च ऑफ एपिफेनी और दिल्ली के बीकानेर हाउस को शहरी पुनरुद्धार और विरासत संरक्षण श्रेणी में पुरस्कार प्रदान किए हैं। रामबाग गेट और प्राचीरो को अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस और चर्च ऑफ एपिफेनी और बीकानेर हाउस को अवार्ड ऑफ मेरिट प्रदान किया गया है। विरासत और सांस्कृतिक महत्व के भवनों के संरक्षण और रखरखाव के प्रयास के लिए यूनेस्को एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पुरस्कार प्रदान करता है। निर्णायक मंडल ने इस वर्ष चीन, भारत और नेपाल से कुल 12 परियोजनाओं को इन पुरस्कारों के लिए चुना है। 3 परियोजनाओं हांगकांग के फैनलिंग गोल्फ कोर्स, चाइना के यांग ओझूंग
डोंगुवान गार्डन रेजिडेंस और भारत के केरल में कुन्नमंगलम भगवती मंदिर स्थापित कर्णिकारा मंडपम को अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन प्रदान किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा कमर्शियल एलपीजी के दाम में 39.50 रुपए प्रति सिलेंडर की कमी की गई है। अब 29 किलोग्राम का कमर्शियल सिलेंडर दिल्ली में 1,757 रुपए, कोलकाता में 1,868 रुपए 50 पैसे, मुंबई में 1,710 रुपए में मिलेगा और चेन्नई में इसका दाम 929 रुपए होगा। हालांकि 14 किलोग्राम 200 ग्राम के घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और ये 903 रुपए में ही मिलेगा। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सर, बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काय को गुरता है, टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है, कंपनी और रिस्क पूरे पूरा समझने का फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान। एनी टाइम एनी वेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों के सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI, 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। जय जोहार संगवारी हो, मैं हूं बबीता। छत्तीसगढ़ दर्शन देखैया हमारे जम्मू दर्शक मन के स्वागत हवे। प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत छत्तीसगढ़ी में छत्तीसगढ़ दर्शन देखते रहिए हर रविवार शाम 4:15 बजे दूरदर्शन रायपुर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज राष्ट्रीय गणित दिवस है। देश के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती मनाने के लिए 2012 में भारत सरकार द्वारा 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस घोषित किया गया था। गणित का एक लंबा और शानदार इतिहास रहा है। गणितज्ञों ने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय योगदान दिए हैं। भारतीय गणित अपनी अनोखी खोज के लिए जाना जाता है, जिसमें दशमलव संख्या प्रणाली, शून्य और नकारात्मक संख्याओं की अवधारणा, साथ ही अंकगणित, बीजगणित और त्रिकोणमिति में प्रगति शामिल है। इसलिए 22 दिसंबर को भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के सम्मान में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर को 1887 को तमिलनाडु के इरोड में हुआ। रामानुजन का अभूतपूर्व कार्य दुनिया भर के गणितज्ञों को हमेशा प्रेरित करता रहा है। अत्यधिक गरीबी से उबरने के बावजूद रामानुजन स्वतंत्र रूप से 3,900 परिणाम संकलित करके सभी समय के सबसे प्रभावशाली गणितज्ञों में से एक बन गए हैं। उनके प्रमुख योगदान में पाई के लिए अनंत श्रृंखला, गेम थ्योरी और रामानुजन संख्या शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दुर्ग इंटर स्टील शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन भिलाई में किया जा रहा है। कल से शुरू हुई 3 दिवसीय अंतर इस्पात संयंत्र शतरंज प्रतियोगिता की मेजबानी भिलाई इस्पात संयंत्र कर रहा है। प्रतियोगिता में भिलाई इस्पात संयंत्र के अलावा 7 अन्य इस्पात संयंत्रों की चुनी हुई टीमें हिस्सा ले रही है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि BSP के पवन कुमार ने कहा कि खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए भिलाई इस्पात संयंत्र लगातार ऐसे आयोजन कराता आ रहा है। आज भिलाई स्टील प्लांट के अंदर हम इंटर स्टील
चेस टूर्नामेंट आयोजित कर रहे हैं। इसमें ना केवल सेल के जो प्लांट हैं बल्कि टाटा स्टील से भी लोग आए हैं, और खेल को प्रोत्साहन करना बहुत आवश्यक है। उसके अंदर भिलाई स्टील प्लांट अपना योगदान दे रहा है। सभी बाहर से आए हुए जितने भी प्रतिभागी हैं सबका हम स्वागत करते हैं, और आशा है कि ऐसे प्रतियोगिताएं जब भी होंगी तो इससे हमारा टीम जो है उसका मनोबल और बढ़ेगा, प्लांट उन्नति करते रहेगा। ये प्रतियोगिता शतरंज फेडरेशन ऑफ इंडिया के नियमानुसार खेली जा रही है। 23 दिसंबर को ये प्रतियोगिता खत्म होगी। अंबिकापुर के हॉलीक्रॉस कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे पिछले 6 सालों से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाने की पहल कर रहे हैं। इस सिंगल यूज प्लास्टिक को साल भर इकट्ठा कर साल के अंत में कंपनी को भेज देते हैं। वहीं इस कार्य को देखते हुए प्रधानमंत्री ने भी अपने ट्विटर हैंडल से इन बच्चों के कार्य की सराहना की थी। अंबिकापुर के घड़ी चौक में बच्चों ने सिंगल यूज प्लास्टिक से कपड़े बनाकर पहना और बर्फ की सिल्ली पर चढ़कर प्लास्टिक का फंदा लगाकर बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण से कैसे एक समय के बाद इंसान की मृत्यु हो जाएगी, इसे बताकर शहरवासियों को एक संदेश देने का प्रयास किया है। तैयारी किए हैं और ये सब जमा करके उसको बना के रखा है, और मैं खुश हूँ ताकि बच्चे खुद अवेयर है, वो लोग अपने आप ये सब करने के लिए कोशिश करते हैं और हम लोग करेंगे बोलते हैं, तो हम लोग उसको तो थोड़ा बढ़ावा देते हैं, बच्चे इसके बारे में अवेयर है, हम लोग को भी जान करके बहुत खुशी आते हैं। तो ये एक अच्छा संदेश और मैसेज जाएगा लोगों के लिए। यहाँ पे जो हमारे देश में पूरा जो प्लास्टिक का यूज़ किया जा रहा है जो कि बहुत गलत है, और पूरे मतलब प्लास्टिक जो है पूरे हर एक आदमी अब प्लास्टिक का यूज़ कर रहा है जो कि डिग्रेड नहीं हो पाता है और उससे अपने अर्थ को बहुत दिक्कत होती है। तो उसके हम लोग संदेश देना चाह रहे हैं कि प्लास्टिक को कम किया जाए। हर घर पे हर मोहल्ले पे ये प्लास्टिक दिखाई देता है हमें, वो बहुत गलत चीज़ है। बर्फ की सिल्ली में खड़े हैं, फांसी का फंदा बनाया गया है ये प्लास्टिक का, हम कैसे मर रहे हैं प्लास्टिक से उसके बारे में बताया जा रहा है। क्या चाहते हैं? हम बस चाहते हैं प्लास्टिक को ख़त्म करना, इको फ्रेंडली चीज़ें बनाना। जी देखिए, प्लास्टिक फैल रहा है, जैसे गाय वगैरह भी उनका सेवन हो जाता है, तो और जो वो भाप बन के जो उड़ जाता है उसका हम लोग सांस ले तो पानी में मिल जाते हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। उससे ग्लेशियर भी आप वहाँ देख सकते हैं, उसका भी वहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है बहुत अच्छे। बच्चों के इस प्रयास से एक ओर जहां लोग जागरूक हो रहे हैं वहीं अन्य संस्थाएं भी इस कार्य में उनका सहयोग कर रही है। माओवादियों ने आज बंद का आह्वान किया है। माओवादियों के इस बंद को देखते हुए बस्तर में फोर्स अलर्ट मोड पर थी। सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर और कांकेर जैसे जिलों में पुलिस फोर्स अंदरूनी इलाकों माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया गया। इस बीच बीजापुर पुलिस और माओवादियों के बीच हुई भीषण मुठभेड़ में डीआरजी के एक जवान के घायल होने की सूचना मिली है। माओवादियों ने बीजापुर के मदेड़ गांव में लगे मोबाइल टावर को आग के हवाले किया। कांकेर पुलिस ने 3 गांव वालों की हत्या और अपहरण में शामिल माओवादी सुरेश कतलामी और रामसाय उइके को ड्यूटी के दौरान पकड़ा। कांकेर अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने बताया कि 35 साल के सुरेश कतलामी को आज ड्यूटी के दौरान पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया। नक्सल विरोधी अभियान चलाए जा रहे हैं, इसी क्रम में 2 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है। पहला जो है वो थाना छोटे बेटिया का मामला है जिसमें 3 ग्रामीणों की हत्या हुई थी। उस क्रम में सुरेश कतलामी जो कि आलदन का रहने वाला है उसकी गिरफ्तारी हुई है। और दूसरा मामला थाना प्रतापपुर का है जिसमें BSF का एक जवान शहीद हुआ था, उसमें रामसाई उइके जो कि थाना प्रतापपुर
ग्राम मलबेटा का रहने वाला है, इसकी गिरफ्तारी हुई है। कांकेर पुलिस और बीएसएफ के द्वारा लगातार नक्सल विरोधी अभियान चलाए जा रहे हैं और इसी क्रम में ये दोनों गिरफ्तारी हुई है और आगे भी लगातार नक्सल विरोधी अभियान जारी रहे। ही माओवादी प्रकरणों की विवेचना के लिए 3 दिवसीय रेंज स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन जगदलपुर में किया गया था। बस्तर रेंज आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपीआई माओवादियों के प्रकरणों की विवेचना कर कार्य में गुणवत्ता लाने के लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। बंद की वजह से माओवादियों को पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी के सचिव मोहन ने पर्चा जारी कर कहा कि बिहार झारखंड में आदिवासियों के साथ क्रूर रवैया किया जा रहा है, इसी के खिलाफ 16 दिसंबर से 22 दिसंबर तक प्रतिशोध सप्ताह मनाया गया। केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने और हितग्राहियों से संवाद करने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। आइए देखते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ी खबरें। गरियाबंद जिले के अंतिम छोर के फिंगेश्वर के ग्राम रजकट्टी में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र सरकार की जनहितैषी योजनाओं की जानकारी देने के लिए 20 विभागों के स्टॉल लगाए गए थे। छत्तीसगढ़ के नोडल अधिकारी, भारत सरकार के वित्त सलाहकार पंकज बोड़खे ने शिविर में पहुंचकर विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया और वहां पहुंचे लोगों से चर्चा की। हमने देखा कि लोग काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं यात्राओं में, शिविरों में, और विविध योजनाओं में पंजीयन काफ़ी हद तक हो चुका है, और जिनका नहीं हुआ है, हमारा ये प्रयास है कि इन यात्राओं द्वारा उन लोगों तक पहुंचे जिनका पंजीयन अभी तक हुआ नहीं, जिनका फ़ायदा सरकारी योजनाओं का फ़ायदा जहाँ तक नहीं पहुँचा है। और हमने देखा कि और यहाँ पर भी हमने देखा कि आप भी देख सकते हैं कि काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, विशेषकर महिलाएँ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आई हुई हैं। तो हमसे पूछे तो हम देख रहे हैं कि यात्रा का जो एक पर्पस था वो कहीं ना कहीं जरूर पूरा होता हुआ दिख रहा है। नोडल अधिकारी ने शिविर में पहुंचे लोगों से पूछा कि केंद्र सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ उन्हें मिल रहा है या नहीं। उन्होंने बताया कि कैसे ये योजना लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध हो रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। मुख्यमंत्री साय के मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार, 9 विधायकों ने ली शपथ। कमर्शियल सिलेंडर के दाम घटे, 39.50 रुपए की हुई कटौती। राष्ट्रीय गणित दिवस आज, देश के गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती। और स्कूली बच्चे कर रहे हैं लोगों को जागरूक, न करें सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।